भगवान, तूने अपने खजाने से इस गरीब को सब कुछ दिया, धन दौलत इज्जत, लेकिन एक चीज की कमी कर दी और वो है शांति। हाँ भगवान, तूने इस घर को शांति नहीं दिया। जिस तरह एक मर्द के लिए इज्जत जरूरी है, औरत के लिए उसकी आबरू जरूरी है, उसी तरह घर के लिए शांति बहुत जरूरी है। इस घर को शांति देना भगवान। अरे कहाँ हो सब, कहाँ मर गए सब के सब? लो हो गई शांति। अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? सब घर छोड़कर भाग गए या कुएं में डूब मरे? जवाब दो। अरे भाग्यवान, ये सुबह सुबह क्यों आसमान सर पे उठा रही हो? पिछले जमाने में हिटलर तुम्हारा बाप था क्या? देखो जी, खबरदार जो मेरे बाप का नाम लिया। अरे तो इतना चिल्ला क्यों रही हो? मकान की छत उड़ जाएगी। चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? इस घर में तो सिर्फ रातों के भूत रहते हैं, बातों से तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे तू मुंह से बातें करती हो या लाठे चलाती हो? देखो जी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। मैं जहरीले कांटों से उलझ सकता हूँ, लेकिन तुमसे उलझने की गलती कभी नहीं करूँगा। अब बताओ बात क्या है? मेरा चश्मा कहाँ, कहाँ है मेरा चश्मा? ए भगवान, इसके अक्ल की कोठरी में तो अंधेरा कर दिया, कम से कम इसकी आंखों में तो रोशनी देनी चाहिए। अरे भाग्यवान, तुम्हारे पास है। मेरे पास? कहाँ, कहाँ है? अक्ल के ऊंची कोठरी में जहाँ अक्ल होनी चाहिए, लेकिन वो है नहीं। अरे भाग्यवान, तुम्हारे सर पे है, सर पे। मालूम है, मालूम है, जरा से भूल क्या हो गई, लगे डांटने। सुबह से अन्न का एक दाना नहीं खाया, भूख से मेरी जान निकल रही है। रात को तो तुम खाते खाते सो गई थी और अभी उठ रही हो, तो खाना कब खाती? तुम कहो तो तुम्हारे लिए एक नौकर रख दूं, जो रात में तुम्हें उठाकर खाना खिलाता रहेगा। देखो फिजूल की बातें मुझे पसंद नहीं, अगर मुझसे उलझे तो ठीक नहीं होगा। अरे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो तुमसे उलझूंगा? नाम भगवान का, काम शैतान का। तुमने फिर कुछ बोला? तुम कभी शांत नहीं रह सकते क्या? मैं शांत नहीं रह सकता? ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कौन शोर करता है और कौन शांत रहता है, ये तो दुनिया जानती है। माँ, मुझे 2000 रुपए चाहिए। 2000? क्या करोगी? मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये ले। माला बेटी, काले जा रही हो? हाँ मामा जी। बहन, माला बड़ी हो गई है, अब हमें एक अच्छा लड़का ढूंढकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, मैं भी यही सोच रही थी। शादी? ना बाबा ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। शादी? क्यों नहीं करनी है शादी? कहीं तुमने कोई लड़का तो पसंद नहीं कर लिया है? आप लोग सही समझ रहे हैं, समय आने पर सब बता दूंगी। ठीक है, तुम अपना पसंद हमें बता देना, हम उसके माँ बाप से बात कर लेंगे। कहा ना, समय आने पर सब बता दूंगी, अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ। क्या जमाना आ गया, लड़के लड़कियां शादी खुद तय करते हैं और माँ बाप इस शादी के रस्म निभाते हैं। जमाना बदल गया है, अगर बच्चे अपनी शादी स्वयं की पसंद से करते हैं तो इसमें बुराई ही क्या है?
और मैं फिर कहती हूँ, इन सब बातों में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाई, इस घर में मेरा चलता कब है? मुझे यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। राम राम शांति बहन। राम राम। आओ आओ सेठ, बैठो। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं अब चलती हूँ। बताओ सेठ, तुमने मेरा काम किया या नहीं? मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन रहीम मियां मानने को तैयार ही नहीं है ब्याज काट के। तुम किसी काम के नहीं हो, एक काम दिया था तुम्हें, वो भी नहीं कर सके तुम। हो जाएगा प्रधान, गुस्सा क्यों करते हैं ब्याज काट के? तुम नहीं जानते सेठ, वो जमीन मेरे लिए कितनी मायने रखती है। वो सिर्फ जमीन ही नहीं, मेरे तकदीर की चाबी है वो चाबी। मैं जानता हूँ, तभी तो मैंने रहीम मियाँ के जिगरी दोस्त राम को बुलाया है। जो राम कहेगा रहीम मियाँ वही करेंगे। बस आप केवल राम को समझा लीजिए ब्याज काट के। ठीक है, आने दो, मैं बात करता हूँ। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते नमस्ते, आओ राम आओ बैठो। सेठ जी ने कहा आपने मुझे बुलाया है? हाँ, सेठ को मैंने ही कहा था। अब तो तुम जानते ही हो कि शहर जाने वाली 6 लेन सड़क अपने गांव से होकर गुजर रही है। मेरे नाम से एक पेट्रोल पंप पास हो गया है। सड़क के किनारे रहीम मियाँ की एक जमीन है और मैं उस जमीन पर अपना पेट्रोल पंप खोलना चाहता हूँ। इसके लिए मैं रहीम मियाँ को जमीन के पैसे देने को भी तैयार हूँ। बस तुम रहीम मियाँ को राजी करो। देखिए प्रधान जी, जमीन रहीम चाचा की है, इसलिए बेहतर होगा एक बार उनसे पूछ लिया जाए। क्यों सेठ जी, रहीम मियाँ की क्या राय है? रहीम ने तो साफ इनकार कर दिया है। उसने कहा मुझे जमीन नहीं बेचना है ब्याज काट के। सुन लिया आपने प्रधान जी? सुनता आ रहा हूँ और सुन भी लिया, इसलिए तो हमने यहाँ तुम्हें बुलाया है। तुम चाहोगे तो ये काम हो सकता है, क्योंकि तुम उसके दोस्त हो। तुम उसे समझाओ, मैं उसकी जमीन की पूरी कीमत देने को तैयार हूँ। बात कीमत की नहीं है प्रधान जी, एक किसान के लिए उसका खेत उसके जीने का आधार है। जिसे आप जमीन का टुकड़ा समझ रहे हैं, वो किसान की धरती माँ है, और कोई भी किसान अपनी धरती माँ का सौदा नहीं करेगा। जोश में होश खूना कहाँ की अकलमंदी है। मैं तो कहता हूँ प्रधान जी का बात मान लो, इनमें तुम्हारा भी फायदा है ब्याज काट के। मेरा फायदा? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, अपने भाइयों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का जो तुम्हारा सपना है ना, वो पूरा हो जाएगा ब्याज काट के। अच्छा, वो कैसे? इन पैसों से तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आप इन पैसों से मेरा ईमान खरीदना चाहते हैं? नहीं, ये तुम्हारा इनाम है। माफ कीजिएगा प्रधान जी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन लालची नहीं, जो चंद रुपयों के खातिर अपने रिश्तों में गद्दारी करें। पैसा पासो तो सैकड़ों रिश्ते मिल जाएंगे ब्याज काट के। ये तो अपनी अपनी सोच है। एक बार फिर सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े ब्याज काट के। जल में रह के मगर से बैर नहीं करने चाहिए। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, नसीहत दे रहा हूं। जी शुक्रिया। सेठ, ये तो बड़ा खुददार आदमी है, यह तो बिगने को तैयार ही नहीं है।
अब हमारे काम का क्या होगा? आप चिंता क्यों करते हैं प्रधान जी, जो काम यह ना कर सका इसकी बीवी करेगी प्याज काट के। तुम्हारा मतलब? हम उसके घर जाएंगे और उसकी बीवी को नोटों को लालच देंगे। कसम से औरत जात बहुत लालची होती है, और एक बार वो मान गई तो वो अपना पति को मना लेगी, और फिर राम रहीम मियाँ को इस तरह से आपका काम हो जाएगा ब्याज काट के। बात समझदारी की करते हो से, हम मौका देकर उसके घर जाएंगे जब ये राम घर में नहीं होगा। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, इसकी खबर भी मैं आपको दे दूंगा। अब मैं चलूं, इजाजत दीजिए। हाँ ठीक है, अभी तुम जाओ, शीघ्र ही मैं राम की पत्नी से मिलूंगा।